आज रक्षाबंधन के इतने पवित्र पर्व पर हमारे साथ देश की लोकप्रिय नेता और बुद्धिजीवी श्रीमती रीता बहुगुणा मैम हमारे साथ हैं, गोवा पधारी हैं। मैम आपका गोवा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम जैसे कि आज रक्षाबंधन है, लेकिन ये हमारे देश का बहुत बड़ा काफ़ी प्राचीन त्यौहार है और बहन और भाई के रक्षा से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप देखिए कि जो जैसे आप खुद एक उदाहरण हैं, आज हमारे देश की बेटियां बहनें दोनों को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि जिस तरह से विकास हुआ है, लड़कियां आगे आई हैं, उस सभी परिवेश को देखते हुए रक्षाबंधन पर की प्रासंगिकता पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग भारतवासी हैं और भारत की संस्कृति विश्व की पुरातन संस्कृति में गिनी जाती है। और ये संस्कृति सिर्फ इसलिए नहीं कि हम बड़े पुरातन राष्ट्र हैं, इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो परंपराएं हैं, रीतियाँ हैं, रिवाज हैं, यहाँ के जो अध्यात्म है, वो विश्व को बांधने वाला और एक नया दर्शन देने वाला है। कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें इतने त्यौहार हों जो हर एक को बांधते हों। त्यौहार ऐसे होली, दीपावली, बुराई पर अच्छाई की जीत दीपावली, भाईचारे का त्यौहार होली, और पिता के पत्नी पति के बीच का त्यौहार, माँ और बच्चों के बीच का त्यौहार, परिवार का त्यौहार और भाई और बहन के बीच का त्यौहार। विश्व का कोई देश ऐसा नहीं है जो इतना सुंदर बंधन में भाई और बहन को बांधता हो। वो कैसा पल होता है सोचो, बचपन से जब हम लोग सर पे पल्ला रख के या कपड़ा रख के भाई को राखी बांधते हैं, लड़ाई होती है, वो गिफ्ट देते हैं, अच्छा माहौल बनता है। देखो, इसको इसलिए बनाया गया था, जो मैं समझ में आता है, कि पहले लड़कियों के बहुत छोटी उम्र में विवाह हो जाता था और वो ससुराल चली जाती थी 7 साल 8 साल 9 साल। अब कोई बहाना तो चाहिए ना बेटी का हालचाल लेने के लिए, तो भाई दूज और रक्षाबंधन, तो ऐसे त्योहारों पर जो है नागपंचमी, इन त्योहारों पर भाई या मैके वाले बेटी को कुछ ना कुछ देने के लिए पहुंचते थे, तो उससे उसका हालचाल भी मिल जाया करता था। और फिर भाई और बहन के बीच में बंधन बनाने से जो लड़की के ब्याह के बाद बंधन टूट जाता है परिवार से, माना जाता है कि अब ये तो ससुराल की हो गई, उसमें भी कहीं ना कहीं एक बंधन बंधा रहता है। तो हमारे देश में चाहे कोई भी रीति रिवाज हो, कोई भी हमारे जो फेस्टिवल्स हों, त्यौहार हों, हर एक का कोई ना कोई मकसद है। और मकसद यहाँ है कि बेटी का लगातार ध्यान बना रहे, बेटी पे से ध्यान न हटे। तो सच पूछो तो महिला संरक्षण, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण के लिए भी ये त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी। तो मैम, लेकिन जैसे आपने सशक्तिकरण की बात की, तो और पुराने समय में लड़कियां कहते थे कि उतना सशक्त या आत्मनिर्भर नहीं हुआ करती थी, तो ये त्यौहार के माध्यम से माता पिता उनसे जुड़े रहते थे। लेकिन आज के संदर्भ में जबकि लड़कियां अपनी सुरक्षा को लेकर खुद ही सशक्त हो गई हैं, तो क्या रक्षाबंधन के मायने परिवर्तित हो जाते हैं? देखिए, रक्षाबंधन का महत्व इतना मायने नहीं कि वो मेरी सुरक्षा करें। जी। भाई बहन का ध्यान रखे, प्यार करे, वो एक इमोशनल टाई, एक भावनात्मक जुड़ाव बना रहे। और जब ये धागा बार बार लड़के के हाथ में बनता है तो लड़कियों के प्रति उसका दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आना चाहिए। अपनी जैसे उसकी बहन के प्रति आता है, भाई अब तो रक्षाबंधन में आज ही हम लोगों ने अपने देश के जवानों का, सीआईएसएफ के जवानों को हमने राखी बांधी, तो बड़े बड़े जैसे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं या कोई अधिकारी हैं, उनको लोग जाके राखी बांधते हैं, पुरुष भी राखी बांधते हैं। तो ये कोई मकसद ये नहीं कि कोई तलवार या बंदूक लेके आपकी सुरक्षा में आएगा। मकसद ये होता है कि लोगों को उनकी जिम्मेदारी का बोध दिलाना कि आपका ये कर्तव्य है कि आप एक सुरक्षात्मक कवच के रूप में भी परिवार के साथ रहें, अपनी बहनों के साथ रहें। तो मैं ये समझती हूँ कि मायने नहीं बदलते, एक भावनात्मक और एक व्यवहारिक दोनों मकसद जुड़े हैं राखी और रक्षाबंधन से और भाई दूज से। तो इनको मेरे ख्याल से पारिवारिक संबंधों, क्योंकि हम लोग संयुक्त परिवार की परिभाषा रखते हैं, और ये संयुक्त परिवार की परिभाषा में लड़की ससुराल चली जाए तो कौन से टाई से बंधे, पत्नी पति के लिए व्रत रख लेती है, माँ बेटों के लिए रख लेती है, पुरुष पूरे घर की शांति सुरक्षा के लिए रख लेता है, तो बहन का ध्यान कौन रखेगा?
तो भाई रखेंगे तो ये एक भावनात्मक और व्यवहारिक त्यौहार। सुरक्षा की जहाँ तक बात है तो मतलब इसका व्यापक स्तर पर भी हो गया है, चाहे वो भाषाओं की सुरक्षा हो, चाहे वो राष्ट्र की सुरक्षा हो। तो जैसे भाषा की सुरक्षा की यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ हिंदी की सुरक्षा को लेके या जो हमारी मातृभाषाएँ हैं उनकी सुरक्षा, क्योंकि आप हिंदी संसदीय समिति से जुड़ी हुई हैं, तो मैं कुछ जैसे जो राजभाषा समिति है उसका उसके क्या मायने हैं या उनको हम हिंदी की सुरक्षा की दृष्टि से कैसे मान सकते हैं? देखिए, इस पर बड़ा बहुत चर्चा हुई इस पर जब अंग्रेज छोड़ के भारत गए और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी संविधान समिति की बैठकें हुई, तो उसमें समझ लो करीब 250 के आसपास का सदस्य, हर जाति के, हर समुदाय के, हर क्षेत्र के। तो अपनी राजभाषा क्या हो, मातृभाषा, अपने देश की ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकारी भाषा कौन हो, जब इस पर चर्चा होने लगी तो काफ़ी युवा की दक्षिण भारत का डिवाइड था। तो युवा गया, अच्छा चलिए इसको हम लोग राजभाषा का दर्जा दे देते हैं, और राजभाषा का दर्जा देने के बाद इसको प्रदेशों से उनकी राय लेते हैं, मशवरा लेते हैं, और उनके मशवरा लेकर जो इस भाषा को स्वीकार करना चाहे ना स्वीकार करना चाहे तब इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई एक भाषा हमारे राष्ट्र की भाषा हो। अब देखो, कोई भी देश ले लो, फ्रांस ले लो, इटली ले लो, जर्मनी ले लो, थाईलैंड ले लो आप, या छोटा छोटा कोरिया ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, जापान ले लीजिए, जितने भी राष्ट्र हैं, अफ्रीकन कंट्रीज ले लीजिए, हर एक की अपनी जो अपनी मातृभाषा में ही कामकाज होता है। लेकिन क्योंकि हमारा देश बहुत विकसित है और यहाँ 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस आज की तारीख में हैं और सैकड़ों बोलियाँ और भाषाएँ चलती हैं, तो ये सोचा गया कि सबका ये सोच था कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में कामकाज हो, और धीरे धीरे कोशिश ये हो कि हिंदी स्वीकार की जाए और वो हमारे राष्ट्र की को बांधने में काम आए। लेकिन कोई थोपने वाली बात नहीं थी, क्योंकि चाहे स्वतंत्रता आंदोलन हो चाहे आज हो, हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं बहुत समृद्ध हैं, उनका साहित्य बहुत समृद्ध है, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान भारतीय संस्कृति और साहित्य की ओर अपार है, बहुत ही है। तो इसलिए जब ये तेवा 1965 में फिर अधिनियम बना हिंदी का, कि भाई ये राजभाषा जो है एक अधिनियम बनाओ कि इसका उपयोग सरकारी कामकाज में, केंद्र सरकार के कामकाज में कैसे होगा। वो समय था जब राष्ट्रों से पूछा गया, राज्यों से, तो तीन भागों में बांटा गया, क, ख और ग। क में वो प्रदेश थे जिन्होंने कहा पूरा काम हिंदी में करने को तैयार है, जैसे यूपी है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है। कुछ प्रदेशों ने कहा कि हम दुई भाषा ही करेंगे, हम अंग्रेजी और हिंदी दोनों का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, इस तरह के प्रदेश हैं। कुछ प्रदेशों ने कहा हम हिंदी को स्वीकार नहीं करेंगे और हमको तो अंग्रेजी ही में काम करना है। उनमें तमिलनाडु है, केरला है, इस तरह के प्रदेश है, कर्नाटक है। तो तब काका घर बनाए गए। अब केंद्र ने फिर एक राजभाषा, हम लोगों की राजभाषा संसदीय उपसमिति का गठन हुआ 1976 में, और ये कहा गया कि भाई क क्षेत्र क ख ग क्षेत्र में केंद्रीय जो कार्यालय हैं उनके कामकाज को कैसे किया जाएगा, उसकी नियमावली बनी। 100% कार्य क में, और फिर उसके बाद कम से कम जो नीचे जाके 65% तक, 50% तक काम होना चाहिए। अब हमारा काम इतना ही है कि हम घूम घूम के यही देखते हैं कि जो केंद्र के कार्यालय हैं उनमें हिंदी का उपयोग हो रहा है कि नहीं, चाहे वो टंकड़ हो, चाहे वो आपके श्रुति लेख हो, चाहे वो प्रविष्टियां भरने की बात हो, चाहे पट्टी लगाने की बात हो, चाहे कामकाज हो, तो उसकी नियमावली है। तो सच पूछिए तो हम लोगों का प्रयास ये है कि जिन क्षेत्रों ने स्वीकार नहीं किया है या आधा किया है, क्षेत्रीय भाषा और हिंदी का उपयोग ज्यादा हो। हम अंग्रेजी को नहीं चाहते, हम क्षेत्रीय भाषा और हिंदी, क्षेत्रीय भाषा और हिंदी चाहते हैं। पर एक कोई थोपने वाली बात नहीं है, अभी तो सिर्फ केंद्रीय कार्यालयों तक सीमित है, पर मैं समझती हूँ कि हिंदी वास्तव में एक ऐसी भाषा जो पूरे राष्ट्र में समझी जाती है, और धीरे धीरे स्वीकार होगी तो अच्छा है, पर उसका उपयोग बढ़ रहा है और अच्छा हो रहा है। गोवा के संदर्भ में आप हिंदी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? ग क्षेत्र है जी, और ग क्षेत्र में हम आए हैं,
सिर्फ केंद्रीय कार्यालयों का कामकाज देखने के लिए, हमारा प्रदेश कार्यालयों में कामकाज या अन्य विभागों का प्रतिष्ठानों के कामकाज से कोई सरोकार अभी नहीं है। ये कमेटी मात्र धारा जो है 1965 की और 1976 में जो हमारा अधिनियम बना उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं, केंद्रीय व्यवस्था में केंद्रीय कार्यालय वही देखने आई है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतने अच्छे से हम सबको समझाया, बहुत बहुत।